माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो हेडशॉट मारना है, रोटेशन ड्रैग सीरीज। तो चलो जब अब तुमने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो जैसा तुम स्क्रीन पे देख ही रहे हो ना, तो ऐसा हेडशॉट मैं तुम्हें चलो सिखा ही दूंगा, लेकिन हेडशॉट सीखने के तुमको करनी होगी मेहनत। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो जिन लोगों को मेहनत करने के नाम पे ऐसी हालत हो जाती है ना, तो रहन दो फिर। और जो लोग कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है ना, तो वो लोग एक चीज याद रखना, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। और जो लोग तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों और मित्रानियों, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हो ना, मैं कैसे इजीली बंदों को रोटेशन ड्रैग हेडशॉट मार रहा हूँ। ध्यान से जरा मेरे एम बटन पे फोकस करके देखो, ध्यान से फोकस करो, थोड़ा फोकस करो, देखो कितनी इजीली, मतलब सामने वाला भी क्या ही सोच रहा होगा ना। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि इस जगह पर तुम लोग हो, मतलब मानो कि मेरी जगह ऐसा तुम लोग कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? पागल, चुप हो जा सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। तो भाई लोग, मेरे को मालूम है बहुत से लोग अब मेरे को बोलेंगे, तू सिखा तो रहा ही नहीं जो तूने बोला था कि रोटेशन ड्रैग हेडशॉट, तो रुको जरा, सबर करो। तो पहले तो आप लोग ये चीज क्लियर कर लेना कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे ना, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो आप लोग समझ रहे हो ना। और जो लोग नहीं समझ पा रहे ना, ना हो पाएगा। तो भाई लोग, ऐसा है, वो लोग जाकर अपना आराम से पोगो देखो, कोई जरूरत नहीं है फ्री फायर को उनकी। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल ध्यान से कान खोल के सुनो। तो जो हेडशॉट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जी हाँ दो तरीके के। पहला तो होता है ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और दूसरा ये जो तुम देख रहे हो। तो बहुत से लोग बोलेंगे दोनों तो सेम ही है, लेकिन अब ध्यान से देखो। तो भाई लोग, अब ऐसा है, अपनी आंखें गड़ा लो स्क्रीन पे, और बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो बंदा आ रहा है, मैंने एम की, और जब बंदा बिल्कुल बीच में आया, मैंने एकदम अपनी एम को रोटेट कर दिया उसकी तरफ, और हेड। अब दूसरी क्लिप में देखो बिल्कुल ध्यान से, पहले मैंने बंदे के साइड में एम किया, फिर नीचे किया, फिर ऊपर खींच दिया एकदम, जिससे हुआ कि मेरा डायरेक्ट हेड लगा। तो अब मैं बता दूँ कि ये दोनों आपको कहाँ यूज़ करनी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, जो एम होती है ना, उसको कभी भी अपने हाथ से सेट नहीं करना है बंदे पे। मतलब मैंने देखा है कुछ बंदे अपने हाथ से एम को सेट करते हैं बंदे के हेड पे, और फिर हेड मारने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अब जैसा जैसा मैं बोलता हूँ सेम बिल्कुल वैसा ही कीजिए। तो गाइस, जो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है वो आपकी ये है, तो ध्यान से देखिए ज़रा इस क्लिप को। तो इस क्लिप में क्या है, बंदा है मेरे सामने, मेरी एम उसके बीच में है, मतलब मैंने सेट नहीं करी, अपने आप सेट उसके बीच में हुई। तो मैंने क्या किया जरा ध्यान से देख। अब ये है हमारा मेन पॉइंट। तो गाइस, इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं, अपने फायर बटन को नीचे की तरफ करो, फिर ऊपर कर दो। और मान लो अगर बंदा तुम्हारे थोड़ा सा दूर हो, तो तुम्हें ये थोड़ा हल्की स्पीड में करना है। यही नहीं, अभी तो जो हमारी सेकंड सिचुएशन होने वाली है उसमें आप देख ही सकते हैं, बंदा मेरे बिल्कुल पास है एकदम। तो मैंने क्या किया, एकदम से अपने फायर बटन को नीचे से किया और एकदम से ऊपर कर दिया, बिल्कुल पूरी स्पीड में। इतनी खुशी मुझे। और आप में से अभी भी कुछ ऐसे शख्स जरूर होंगे जो बोलेंगे भाई तेरी ट्रिक बिल्कुल बेकार है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे छोटा यूट्यूबर है क्या करेगा। तो आपको बता दूँ, यूट्यूबर चाहे छोटा हो बड़ा, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये आपको कोई नहीं बताने का, चाहे आप ट्राई कर लेना। तो इन चीज़ को आपको कम से कम 2-3 दिन ट्रेनिंग में लगातार प्रैक्टिस करनी है गाइस। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप हेडशॉट मारना सीख जाएंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे दोस्त मेरे को ना चिढ़ाएं। तो 2-3 दिन लगातार मेहनत करो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके, सब कुछ भूल जाओ, ट्रेनिंग ग्राउंड पे फोकस करो बस, कस्टम। और जो लोग कस्टम में हरा देते हैं ना आपको, उनसे तो मिलना ही छोड़ दो।
वो कस्टम में तो जीत जाते हैं लेकिन रैंक मैच में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो कहते हैं सही बनो, सही राह पे चलो, तभी सीखोगे कुछ। तो अगर यार वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी बन गई हो तो उसके लिए सॉरी, बस मेरा तो मकसद था आपको हेडशॉट मारना सिखाना। तो चलो ये मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो ऐसे कंटेंट देखने के लिए, और हम मॉन्टेज भी बनाते हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। I played it in a sense, a feel of discontent, I